अस्सलाम दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नोटबुक ऑफ प्रैक्टिकल साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस की किताब है प्रैक्टिकल की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके तमाम एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं वो कैसे हल करते हैं। वहाँ सॉल्व एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर वन। तो प्रैक्टिकल नंबर वन में ये हेडिंग ऊपर लिखी हुई वाली, सबसे पहले आपने हेडिंग लिख लेनी है। एंड लिखने के बाद आपने ये लिख लेना है एल्गोरिथम, जिसके कितने स्टेप हैं, 7 स्टेप हैं। ये 7 स्टेप आपने लिख लेने हैं ऐसे लाइन वाइज, आगे ऐसे लिख लेना। फिर उसके बाद प्रोग्राम क्या है इसका, ये प्रोग्राम इसका दिया हुआ है। नंबर ये दिए हुए हैं 10 से 100 तक। 10 में सी एल, जैसे सी एल एस है, और इसमें 20 में ये पूरा लिखा हुआ है। ऐसे 30 में 100 तक एंड में पड़ा, सारा ऐसे लिखना है। प्रोग्राम के बाद हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट यहाँ स्टार्ट ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे डायग्राम आपने बनानी है फ्लो चार्ट की, बिल्कुल ऐसे। ये बनाने के बाद हमने क्या लिखना है, आउटपुट लिखना होता है। ये फाइनल होता है रिजल्ट, यानी होता है ये वाला आउटपुट हमारे पास क्या आया पड़ेगा, ये लिखा होगा आउटपुट। टेबल बना के बाद हमने टेबल बनाने के बाद ये कर देना है, यानी ओके आ गया हमारा रिजल्ट। ये था एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नंबर वन। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर टू। तो इसकी हाइडिंग देख लें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने ये देखा जूम आउट कर लिया। ऐसे जैसे प्रैक्टिकल नंबर वन था वैसे ही है पढ़ाई है। इसके 5 स्टेप हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर प्रोग्राम लिख लेना है। प्रोग्राम में 50 तक, ये 10 से 50 तक का ही एंड हो गया इसका, सी एल एस हो रहे हैं, ये 50 पर एंड है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में ही बना लेना है। फ्लो चार्ट के बाद आउटपुट लिख लेनी है। हमारे आउटपुट में हमें क्या है, टेबल हमारे पास। आपने ये सारा पीछे हमारे पास होती है बुक, यहीं से देखे आपने करने का, आपको दिखाता हूँ कहाँ होती है। देखिए ये थोड़े से आगे पेज शुरू, आप पेज निकालेंगे ना, प्रैक्टिकल नंबर जैसे ये लिखा हुआ है नंबर 1.1, ये सारा लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हेडिंग जो होती है, उसके बाद ये एल्गोरिथम जैसे नंबर 1 पे स्टेप लिख लेने हैं, प्रोग्राम ये लिख लेना है, और ये देखें ये फ्लो चार्ट खड़ा है, ये आउटपुट ऐसे सारे होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल 2 है पढ़ा थी जैसे 1.7, ऐसे ही होते हैं, ऐसे हमने किया हुआ है। आप पीछे से वैसे ही लिख सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल नंबर 2 में हमारे पास आए, ये था प्रोग्राम हमारे पास। प्रोग्राम के बाद ये स्टार में फ्लो चार्ट है, उसके बाद हमने क्या लिख लेना, आउटपुट। आउटपुट ये निकल आई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बड़ा, प्रैक्टिकल नंबर 3। 3 में सबसे पहले हेडिंग लिखनी है हमने, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, ऐसे सारी। वो लिखने के बाद ये एल्गोरिथम लिख लेना है। इसके 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप लिखने के बाद आपने प्रोग्राम लिख लेना है, 40 पर एंड है इसका। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारे पास, ये देखिए फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट के बाद ये हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट लिखने के बाद हमने क्या करना है, लिखो भाई इंटर अ नंबर ऑफ नंबर 65 एड ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 4। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 है हमारे पास, ये हेडिंग लिख लेनी है आपने। हेडिंग लिखने के बाद हमने ये लिखना है एल्गोरिथम, इसके 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप के बाद प्रोग्राम लिख लेना है, 50 पे एंड है इसका। ये देखें आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, आराम से भी लिख लेना है, वीडियो चलाते ही देख सकते हैं स्टॉप करके आप। वो फ्लो चार्ट, ये हमारे पास फ्लो चार्ट इसका बना हुआ है। ये फ्लो चार्ट के बाद हमारे पास आउटपुट है इसकी, ये देख लें आप आउटपुट है। ये आउटपुट में ये कुछ भी लिखना है, ये नंबर वाइज देख के 5 से ओके लिख लेना है हमने, बस ये टेबल है हमारे पास आउटपुट का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल नंबर 5। सबसे पहले आपने हेडिंग लिख लेनी है, हेडिंग लिखने के बाद ये एल्गोरिथम लिख लेना है, ये 9 स्टेप लिख लें आप। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम, प्रोग्राम में कितने हैं, 70 तक है, 10 से 70। आप ऐसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, देखें ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट ऐसे बना लेना है आपने। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट लिख लेनी है। यहाँ
आउटपुट लिखना भूल गया हूँ वैसे ही, तो आपने आउटपुट हेडिंग दे के लिख लेना, फिर टेबल में ला लेना नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल नंबर 6, जो ये हेडिंग है इसकी। अब आप हेडिंग दे लेंगे तो हमारे ये लिख लेना ग्रोथिंग। नेक्स्ट इसके 10 स्टेप हैं, ये 10 स्टेप लिखने के बाद आपने प्रोग्राम लिख लेना है। प्रोग्राम में 70 तक है इसका, तो प्रोग्राम लिखने के बाद हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट देख लें आप। फ्लो चार्ट के बाद क्या करना है, ये आउटपुट लिख लेंगे हमने यहाँ पे। तो आउटपुट हमने ऐसे लिख लेनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल नंबर 7। 7 में हमने ये हेडिंग देनी है, राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट टेलीफोन डायरेक्टरी। तो एल्गोरिथम लिखने के बाद हमने 4 स्टेप लिखने हैं इसके। 4 स्टेप के बाद हमने प्रोग्राम लिखने हैं इसके, 1040 तक के ऊपर है प्रोग्राम ये सारा। प्रोग्राम के बाद हमने क्या कर लेना, ये देख लें इसी तरह, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास आउटपुट आ गई इसकी। आउटपुट ना भी लिखें कोई बात नहीं, उन्होंने चेक नहीं करनी होती, बस उन्होंने देखनी होती बच्चे लिखो। ये ऐसे करके चेक करते हैं, ऐसे करके चेक कर लेते हैं सारे लिखी हुई है, ठीक है नंबर दे देंगे आपको। ज़्यादा वो चेक नहीं करते, कर लेते हैं अंदर से भी, आपने सही करके लिखनी है इसकी। ओके, बस एक लाइन आपने खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8 लिख लें आप। अच्छा, ये हेडिंग है इसकी, अगर ग्रोथ थीम इसके 4 स्टेप, प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखने के बाद हमने फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट हेडिंग देने के बाद आपने ये बनाना फ्लो चार्ट इतना सर। नेक्स्ट ये आपने टेबल बना लेना एक आउटपुट का, ठीक है। आउटपुट लिखने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है, ये आपने आउटपुट लिखने के बाद हमारा ओवर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल नंबर 9 आ गया हमारे पास, जो 9 में हमारे ये हेडिंग है, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रा ट्राइंगल यूजिंग ड्रा स्टेटमेंट। तो ग्रोथ में इसका 5 स्टेप है। फिर प्रोग्राम है हमारे पास 50 तक। नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद ये है हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के बाद ये आउटपुट आ गया हमारे पास, प्रैक्टिकल नंबर 10 है नेक्स्ट। इसकी ये वाली हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग आपने लिख लेनी है पहले। उसके बाद ये पॉइंट है इसकी, कुछ 3 पॉइंट है, अभी 3 पॉइंट अच्छी तरह लिख लेने हैं आपने। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने एक मार्क के सारी हेडिंग देनी, ओपन एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये पॉइंट है इसकी, इसके भी 3 पॉइंट है, आपने 3 ऐसे पॉइंट लिखने हैं। फिर ये लिख लेना है, लिखने के बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट डायग्राम लिखनी है। डायग्राम ऐसे लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद टेबल बना लेना हमने डायग्राम का, ऐसे ही आपने बनाना बिल्कुल। ये बनाने के बाद क्या करना है, हमने प्रैक्टिकल नंबर 11 लिख लेना बाद में। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 11 में हमने हेडिंग दे देनी है। हेडिंग के बाद इसके 2 पॉइंट लिख लेने हैं आपने, ऐसे लिखे हुए आपने ऐसे 2 लिख लेने हैं पॉइंट। पॉइंट के बाद कॉपी पेस्ट हेडिंग देने के बाद आपने फिर 2 पॉइंट लिखने हैं। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, वैसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, फिर आप आराम से देख लें। नेक्स्ट उसके बाद 2 पॉइंट लिखने के बाद हमने ये वाला एक टेबल बना लेना है। तो ये पूरा एक टेबल है, ये देखेंगे ऐसे एक टेस्ट हो रही कॉपी डी, एक एरो जा रहा है यहाँ पे, ऐसे नीचे भी एक छोटा सा बना हुआ है, ऊपर भी एक टेबल, एक ही टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमारा नया न्यू है पड़ा, प्रैक्टिकल नंबर 12 आ गया। तो इसकी हेडिंग ये लिख लेनी है आपने, हेडिंग लिख लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक आपने हेडिंग लेनी है, टू यूज सिनोनिम्स फीचर्स। तो 2 पॉइंट इसके लिख लेने आपने पहले, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद ये थीसिस आपने लिख लेना, थीसिस।
तो इसका ही हमारे पास एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ही लिख लें, एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ये देखें, मैंने जूम आउट करके दिखा दिया, आप ये भी लिख सकते हैं इसी तरह। आप नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है दोबारा से। तो ये लास्ट प्रैक्टिकल था, मैंने टोटल 12 बनाए हुए हैं, आप चाहे तो 10 बना लें, तो 12 बना लेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, देखेंगे कितना बनाया बच्चे ने। तो 12 ही बनाना आप, सही जैसे मैंने बनाया आपने ऐसे बिल्कुल बना लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, अंदर से मैंने कुछ छोड़ भी दिए प्रैक्टिकल, उसका कुछ नहीं होता, आपने 10-12 बनाने होते हैं बस, ज़्यादा आप ना बनाए तो ठीक ही है। एक टेबल बना लेना आपने, फिर ये था हमारे पास प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई मसला आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम वो मसला ठीक कर सकें। थैंक यू वेरी मच।